आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जिंदगी की ऐसी पांच बातें कभी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे बताते हैं तो आपकी सब कुछ सर्वनाश हो जाती है, न तो धन का बचत हो जाता है, न तो आपके लिए सुरक्षा हो जाती है, न तो सुख का, न तो धन का, न तो व्यापार, न तो परिवार, आपके जीवन में सब कुछ लूट जाता है। जिंदगी के ऐसे पांच गुप्त बातें हैं जो गुप्त रहस्य हैं, कभी कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जिंदगी में ऐसे पांच बातें हैं जो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो ऐसे जीवन की जो पांच बातें कभी किसी को ना बताएं। कहते हैं दूसरे को बताने से मन हल्का होता है, लेकिन अपना दुख एवं दर्द दूसरे को सुनाने से मन हल्का होता है। लेकिन कई ऐसे पांच बातें हैं जिनको बताने से दुख और दर्द और भी बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें दूसरे को बतानी नहीं चाहिए। जिंदगी में आपकी जान न क्यों न चली जाए, आपकी मृत्यु न क्यों ना हो जाए, पांच बातें कभी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने मित्र से भी गुप्त रखनी चाहिए। इस आज मैं आपको ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बात करूंगा जिसके जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे, आज ही आपके जीवन को संवार पाएंगे, आपकी ज़िंदगी को सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री माता। दोस्तों, आप एक सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करते हैं, अपने धर्म को विश्वास करते हैं, एक सच्चा हिंदुस्तानी एवं भारतीय हैं, तो अपने देश को प्यार करते हैं, अपने माता को प्यार करते हैं, तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको श्री हनुमान जी सदा कृपा करेंगे। तो दोस्तों, राधे राधे, जय माता जी। आज हम ऐसे पाँच रहस्य, ऐसे गुप्त बातें में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नंबर में है, आप एक कापी एवं कलम लेकर रखें। ये ध्रुव सत्य और शास्त्र के साथ प्रमाण सहित मैं आपके बात को आज बताऊंगा। सबसे पहले एक नंबर में आपके घर की जो वेद भाव हैं, जो घर की जो कमजोरियां हैं, जो लड़ाई हैं, जो झगड़े हैं, घर का भेद एवं परिवार का भेद कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, जिससे घर परिवार का भेद को गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप बाहर के व्यक्ति अपने मित्र के साथ, अपने किसी साथी के साथ घर का भेद एवं भाव आपको बता देते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं, आप शक्तिहीन बन जाते हैं, आप कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आपके मित्र आपके परिवार के भेद भाव बता देते हैं तो आपके ऊपर देश एवं रोष बढ़ जाता है, तो आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आपके मजाक उड़ाने लोग लग जाते हैं। तो इसीलिए घर के भेदभाव को कभी नहीं बताना चाहिए। आपके भेदभाव को दूसरों को बता देंगे तो आजकल के दोस्त देर नहीं लगाते कि दोस्ती टूटते हुए देर नहीं लगती, आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, आपको देखने वाले की जो नज़र है वो फर्क हो जाती है। इसीलिए आप मर जाना, लेकिन घर के इस गुप्त रहस्य को, घर के भेदभाव को कभी किसी के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी दोस्तों के साथ भूल कर भी मत कभी बताना, क्योंकि आपका पवित्र मित्र आपसे दोस्ती तोड़ सकता है, जो दोस्ती आपकी थी वो टूट सकती है। जो परिवार के भेद को सबसे अगर बता दें, आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, आपका जीवन बिना कारण संकट में पड़ सकता है। इसीलिए घर परिवार का भेदभाव, अपने भाई भाव का मेल मिलाप हो, या किसी भी संबंध घर का, किसी भी रहस्य को घर के बाहर के व्यक्ति को कभी ना बताएं। ऐसा करने से भेद मित्र भी शत्रु बन जाता है और आपके ऊपर कमजोरी का लाभ उठाने लगता है। तो इसीलिए कभी किसी को अपने घर का भेद एवं भाव कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो कभी भी ये बातें किसी के आगे कभी नहीं बताएं। दोस्तों, दूसरा, बुध काल के राज। अगर देखें आपकी जीवन में क्या घटने घटी थी, आपके जीवन में क्या हुआ था, आपकी जो कमजोरी थी कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। अतीत की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वर्तमान आदमी को कमज़ोर कर देता है, जीवन को प्रभावित कर देती है। इसकी वजह से भूतकाल की बात को कभी दूसरों के साथ बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा आप बता देते हैं तो आपको कमज़ोर बन जाते हैं, संबंध टूट जाता है। अगर आप ये बातें दूसरों को बता दें, इसका गलत उपयोग करने लग जाते हैं लोग, उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। लेकिन
अपने राज अपने पास ही रखें, सुने सभी को लेकिन आपके मन की बात करें, लेकिन दूसरों को अपनी भूतकाल की बात को वर्तमान में किसी के आगे जाहिर ना करें। कल के समय में आपके लिए बहुत कमजोर बन जाएंगे, इसका फायदा उठाने लग जाएंगे, गलत उपयोग हो सकता है। ऐसा भी संभव हो कि कोई इसकी बातों को ना जाए, फायदा उठाने से आपकी जो भूतकाल की बातों को गुप्त रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जीवन मजबूत रहे, आप किसी के ऊपर ना डगें और आपको कोई डगा ना सके, इस बात में सदा विचार करें। जय हनुमान। और दूसरी बात, तीसरी बात, आप ये तो दूसरी बात है, तीसरी बात के बारे में चर्चा करेंगे, सेक्स कमजोरी के बारे में कभी किसी को ना बताएं। यदि आपके सेक्स के संबंधी कमजोरी हैं तो इन बातों को दूसरे को कभी जीवन में भूलकर भी शेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ बांटे कि सिर्फ डॉक्टर को बतानी चाहिए। अगर आप किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को ये बात बताते हैं तो आपकी बदनामी हो सकती है। आपके जीवन में सेक्स कमजोरों को कभी दूसरों के मित्रों के साथ ये बातें शेयर नहीं करना चाहिए, आपको कमजोर एवं आपका मजाक पात्र बनाया जा सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपके देखने की नज़र उनकी देखने की नज़र खराब हो सकती है, इस कारण से ये बातें को भी आप गुप्त रखें। दोस्तों का राज, दोस्तों अगर यहाँ पे देखें आपने जो दोस्ती की जो राज है, अगर आपका अगर कोई मित्र आपका कोई राज आपको बता दे तो राज दूसरों को से नहीं बतानी चाहिए। अगर आपका कोई साथी अगर बताता है तो दूसरे एवं तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, आप दोनों के बीच में रहने चाहिए। तो अगर आप दोनों की राज दूसरे को शेयर करते हैं जिससे आपकी पवित्रता खत्म हो सकती है, आपकी दोस्ती संबंध टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पछताव हो सकती है। अगर आपका कोई दोस्त यह जानेगा कि आप उनके राज को दूसरे व्यक्ति को या तीसरे व्यक्ति को आप बता दें तो ये दोस्ती आपकी सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आपके ऊपर संकट मंडरा जाएगा, लेकिन ईमानदारी भी आपकी जो इज्जत में प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, जिसकी नज़र से आप गिर जाएंगे। इसीलिए मित्र के राज्य को कभी दूसरे के साथ तीसरे व्यक्ति के साथ में कभी शेयर ना करें। अगर आप एक सच्चा एक पवित्रता आत्मा हैं, अगर भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो जो दो आत्माओं की बात है दोनों में रहने चाहिए, किसी के ऊपर दूसरे की बात को शेयर नहीं करना चाहिए, आप एक उल्लू की तरह हो जाएंगे, बाद में जाके आपको पछताव के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। निजी संबंध को एवं कटुकता को लेकर इस बात को भी विचार करें दोस्तों, अगर आपके निजी संबंध में कटुकता है बात दूसरों को नहीं बताना चाहिए, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। संबंध में कटुकता दूसरों को बताने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपके जीवन में संकट मंडराने लग जाएगी। बातें घर को घर की बातें घर के ही अंदर रखनी चाहिए और खुद ही इसको सुलझाना चाहिए। अगर यह बातें गौर को बता दें तो आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे, लेकिन इसीलिए निजी संबंध की बात को लेकर दूसरों को जीवन में कभी शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये आजकल के ज़माने में 100% विश्वास नहीं किया जा सकता, लोग विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन आदमी का मन भी इतना है कि अगर खुशी देखे तो बहुत जल्दी बता देते हैं, दुख हो तो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, ऐसे संबंध बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सच्चा व्यक्ति हैं तो इन बात को विचार करें। अगर छठी बात है, अगर इसको विचार करें, अगर आपके कर्ज लगा हुआ आपके पास पैसा नहीं है, ये बात कभी नहीं बताना चाहिए किसी को। अगर कर्ज में डूबे हैं, आपको कर्ज है, अगर इस बात को कभी नहीं बताना चाहिए। अगर ऋण की बात आप बता दें, आपको हेल्प करने वाला बंदा भी आपको हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा पैसे की बात गुप्त रखें, पैसे के बारे में किसी को ना बताएं। आपके पास कर्ज है, ऋण है, तो ऐसी बात ना करें, क्योंकि आपको मदद करने वाला व्यक्ति भी छोड़ देगा, डर जाएगा, आपको देगा नहीं। इसीलिए पैसे के लिए भी कभी किसी को ना बताएं, तभी आपका जीवन मजबूत रहेगा। ये अगर आप मर भी जाएं, ये 5-6 बातें किसी को ना बताएं, एक गुप्त राज किसी को ना बताएं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभु, जय माता जी।